ओके सो एवरीवन रेडी फॉर द आईयूपीएसी. ओके लेट्स स्टार्ट विद अ ग्रेट एंथुसियाज्म. चलो हम लोग बात करते हैं बेंजीन के आईयूपीएसी के साथ. नाउ अगर मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो ये बेंजीन है नहीं. जब तक मैं यहाँ पे ये लाइंस या फिर ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करता तब तक इसको हम बेंजीन बोलोगे ही नहीं. ओके सो व्हाट इज दिस फंक्शन. सपोज यहाँ पे अगर ये क्या है CH3 लगा ले तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग टोल्यून बोलेंगे. क्या बोलेंगे टोल्यून बोलेंगे. अगर मैंने उसको NH2 लगा दिया तो उसको क्या बोलेंगे एनिलीन बोलेंगे. क्या बोलेंगे एनिलीन बोलेंगे. अगर मैंने इसको इस स्ट्रक्चर को मैंने OCH3 लगा दिया. क्या लगाया OCH3 तो ये क्या बनेगा एसिटाइल बेंजीन. क्या बनेगा एसिटाइल बेंजीन. तो ये कुछ नेम हमें पता होना चाहिए ठीक है. CH3 हो गया NH2 हो गया OCH3 हो गया. इसको क्या बोलेंगे ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे. अगर वही मैंने बेंजीन को NO2 लगा दिया तो ये बनेगा नाइट्रोबेंजीन. क्या बनेगा नाइट्रोबेंजीन बनेगा. अगर यही बेंजीन को मैंने इफ आई टॉक अबाउट दिस VR लगा दिया या फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडाइड F ये क्या है सब हैलोजन है. और हैलोजन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं X से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यही बेंजीन को मैंने ये बोलूंगा तो क्या बनेगा ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा ठीक है. सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस 1 2 3 4 5 देन वी विल स्टार्ट इट. ओके कैन वी स्टार्ट. ओके लेट्स स्टार्ट इट. ओके सो नाउ सबके लिए क्वेश्चन है. आप इसका नेम चैट बॉक्स में दे सकते हैं टू अवॉइड द नॉइस. ओके सो ये आपका स्ट्रक्चर है. ओके दिस इज अ बेंजीन. यहाँ पे CH3 है यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे BR है. ओके योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. चैट बॉक्स में मुझे उसका आंसर दे दो क्या होगा ठीक है. आई एम वेटिंग फॉर यू. तब तक यहाँ पे मैं स्टेप्स लिखता हूँ. स्टेप 1 प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप. स्टेप 2 अल्फाबेटिकल ऑर्डर. Step 3, write first parent. Okay, so these are the 3 steps that we have to follow. Okay, I haven't got any reply from anyone. Chalo, jaldi 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 reply do. At least bolo, kya hai ye, kya ho sakta hai? Let me see, kitne jan ko aa raha hai. Okay. Shalini, aapne abhi join kiya hai. Hum ye baat kar rahe hai yahan pe, ki iska IUPAC name kya aayega. Okay, so let's start. Nobody's saying in a chat session. Answer me. Always whenever you add, please खुद को mute करो. जब भी आप add हो जाओगे mute होके ही add होना है आपको. हमेशा याद रखो whenever you add the join meeting तो आप पे ऑप्शन आता है with or without audio, with or without audio. तो वो चीज हमेशा प्रेस करना तो बेटर हो जाएगा ठीक है. नाउ टेल मी वन थिंग किसका आंसर आया फर्स्ट. देखो किसी ने भी आंसर नहीं दिया अभी तक. ओके ओके मुस्कान आप हो यहाँ पे. सौरभ हुआ आप पे. ओके किसी का आंसर आ गया चैट सिस्टम में. मुस्कान का आ गया 1-bromo-3-methyl एनिलीन. माते यहाँ पे NO2 है NH2 दिख रहा है आपको. NH2 नहीं है तो एनिलीन कैसे होगा. दैट इज अ रॉन्ग आंसर मुस्कान. ओके सॉरी मेरे को लगा NH2 है. नहीं वो NO2 है. फाइन फाइन. नाउ ओप्पो A31 ये कौन सा नाम है मुझे पता नहीं. हाय ओप्पो कैसे हो आप ठीक है. नाउ ओप्पो ने आंसर दिया है 3-bromo-5-methyl-nitrobenzene. ओके ओके ये थोड़ा सा करेक्ट है. सर मैं ऋषभ हूँ ओप्पो नहीं. अच्छा फाइन तो वहां पे ओप्पो दिखाई देगा तो मैं ओप्पो ही बोलूंगा आपको ठीक है. कोई इश्यू नहीं. चलो चलो सर. ओके दैट्स फाइन दैट्स फाइन. ओके 3-bromo-5-methyl. बाकी के लोग कहाँ गए मर गए क्या. चलो चलो स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट. ओके कोई लोग ऐड हो रहे अभी यहाँ पे. और ठीक है चलो मैं ही बता देता हूँ बहुत. तुम लोग स्लो. फर्स्ट सबसे प्रायोरिटी होगी CH3 को. उसके बाद प्रायोरिटी किसको मिलेगी
ओके आकांक्षा पांडे, आपने जो बोला है नाइट्रो मिथाइल ब्रोमो, लेकिन आपने पेरेंट ग्रुप उसमें डाला ही नहीं है ना। ओके तो देखते हैं क्या है हमारे पास अभी, क्या ब्रोमो ये पता है, ये एक्स है तो ये कौन सा ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप है। हमें पता है कि हैलोजन हमेशा लास्ट में आता है, हैलोजन हमेशा क्या होता है, लास्ट में आता है, ठीक है। देन सी एच थ्री आपका एनिलीन ग्रुप नहीं है, मिथा क्या है आपका, टोल्यूइन ग्रुप है, और ये आपका नाइट्रो है। तो नाउ टेल मी वन थिंग, प्रायोरिटी हमेशा जाएगी टोल्यूइन। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो यहाँ पे 6 हो मिल गए। तो क्या होगा, पेरेंट आपका रहेगा टोल्यूइन रहेगा, ठीक है। देन 3 पे क्या है, पहले ब्रोमीन आता है, फिर नाइट्रो आता है, पहले ब्रोमीन आएगा क्योंकि ए बी सी डी राइट, बी पहले आता है। तो क्या लिखोगे, 5 ब्रोमो, 3 नाइट्रो टोल्यून, ये आंसर है, 5 ब्रोमो, 3 नाइट्रो टोल्यून। अगर किसी ने यहां से भी काउंटिंग किया रहेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम CH3 के बाद ये ऐसा क्लॉकवाइज जाना चाहिए, CH3 के बाद NO2 आएगा, NO2 के पास लास्ट में भी आ जाएगा, तो ये आंसर एक्चुअली परफेक्ट है। समझा ये 5 ब्रोमो 3 नाइट्रो टोल्यून का, समझा। चलो मूव फर्दर, मैं आगे जाऊं, हाँ या ना बोलो एटलीस्ट। यस सर। हाँ सर। ओके ओके, बंगीन, बंगीन क्या होता है, आकांक्षा बंगीन क्या होता है, ठीक है, I got it, क्या है, मुझने गलती से टाइप किया। नाउ लेट्स हैव अनदर स्ट्रक्चर, इन दिस अनदर स्ट्रक्चर वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर लाइक दिस, लेट्स टॉक। तो आपका प्रॉब्लम कहाँ पे वो मुझे पता चल रहा है, हाय गुप्ता, अंचल, ओके, नाउ दिस इज, लेट्स टॉक अबाउट, दिस इज CH3 एंड दिस इज BR, सो इसका नाम क्या रहेगा, फटाफट बोलो, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस, इसका नाम क्या रहेगा, हमें MCQ सॉल्व करने आज, तो देखो इसका नाम क्या रहेगा, 3 ब्रोमो टोल्यून। ओके, बाकी के लोग कहाँ गए, ये क्या रहेगा, 1, 2, 3, 3 ब्रोमो टोल्यून, करेक्ट। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे और एक BR लगा दिया तो क्या होगा, यस पाल दीपक, करेक्ट आंसर है आपका, 3.5 डाइब्रोमो टोल्यून। ओके ओके, फाइन, ऋषभ, आई एम सॉरी, सौरभ, ओके, सो टेल इट व्हाट, ओके, लेकिन अभी मैं BR यहाँ पे लगा सकता हूँ क्या, और एक लगा सकता हूँ, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, देखो डोंट टॉक, मैं बात करूंगा अभी, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोल्यून तो मेरा पेरेंट ग्रुप है, ठीक है। अभी कौन से पे, 3, 3, 4, 5, 3, 4, 5, तीन बार आया ना, तो ट्राई ब्रोमो टोल्यून, ये मेरा आंसर रहेगा, ये समझा सबको, ओके। नाउ मैं कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको उसको पेन एंड पेंसिल में से क्या करने हैं, देखो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, आगे वो आपको उसके नेमिंग फटाफट बताने मुझे, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, आप मुझे चैट में बताओगे ये सब चीज, ठीक है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर, आप फर्स्ट फिर उसका नाम चैट में डालो, पहले देखो चैट करने से पहले देखो, ठीक है, देन मैं सबको पूछूंगा यहां पे, ठीक है, थोड़े से अभी इजी वाले हम लोग बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद थोड़े से डिफिकल्ट वाले भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, सो दिस इज लेवल 1 वेयर यू हैव फाइंड दिस। ठीक है, सो यू हैव 4 स्ट्रक्चर्स, यू हैव अ 5, यू हैव 3 मिनट्स टू गिव मी द आंसर, ओके, सो डू इट। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है,
स्क्रीन बंद किया ना, ओके नाउ यू कैन सी राइट, अभी दिख रहा है सबको? यस सर। ओके ओके चलो करो करो। सर NH2 को ग्रुप को क्या बोलते हैं? NH2 को वो मैं बाद में बात करूंगा, पहले तू आंसर दे देते रहो ठीक है, और बाकी के लोग भी बात करो, इंटरेक्शन करो, बिंदास करो। NH2 को बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं ठीक है। नाउ किसी का चैट सेशन आया है एंड मुस्कान किसका आंसर दिया आपने, फर्स्ट का सेकंड का? फर्स्ट का दिया ना, ओके फाइन फाइन गॉट इट। ओके चलो दे दो आंसर। कौन कौन है मुझे देखने, तो कितने लोग हैं जुड़े हुए आज? रवि, कोमल, पाल, संजना, साक्षी, प्रियंका, हेलो, देन प्रशांत है, मुस्कान है, अभिषेक है, सौरभ है, रवि हाय रवि, कोमल हाय कोमल, हाय अंचल, देन करण विश, आशिया खान, देन मिशा, स्नेहा जायसवाल एंड आकांक्षा पांडे। ओके then hi Abhay Gupta, hi Saurabh again, Anjali and Shalini and Bitty. Bitty full form क्या आपका, जरा नाम का बोलो, मैंने आपको message भी किया था। Okay, Methyl 3-nitro, fine fine, go ahead go ahead. Okay fine fine, चलो answer आ रहा है किसी किसी की, great great great, we start something. Okay, so we have a 23 students on the board right now. Okay, your time's up right now, about to up. Chalo, say 5 minutes bache. Aapke question ko tally kar dena, kiska barabar aaya, mujhe baad mein bol dena, ye cheez. Chalo, first discuss karte hain abhi hum log. Okay, so let's discuss first. Okay, sabke aage almost answer. First one, first ka answer kya aayega? Obviously, toluene hai. So, 1, 2, 3, 4, 5, 3, क्लोरो कॉमा 5 ब्रोमो टोल्यून ठीक है। हमेशा याद रखो ये जो डैश होता है ग्रुप के बाद लगता है, कॉमा दूसरे ग्रुप को मेंशन करने के बाद लगता है ठीक है, ये हमेशा याद रखो। हाँ सर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखना था ना, यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं रहेगा, मैं 1 2 3 बोल रहा हूँ तो भी चलेगा, अल्फा बीटा कहाँ यूज करेंगे बोलता हूँ आप ठीक है। अल्फा बीटा गामा इज अ डिफरेंट स्टोर, अल्फा बीटा नहीं बोल रहा हूँ, अल्फाबेट बोल रहा हूँ, मतलब बी पहले आएगा ना तो ब्रोमो पहले लिखेंगे ना। हाँ सर, ब्रोमो पहले आएगा ना। अच्छा मैं बात करूँ अभी, हाँ सुनो मेरी बात, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हाँ ये ब्रोमो, एक देखो एक बात मैं बोलता हूँ, ये देखो ये मैं यूज कर रहा हूँ पेन ब्लू कलर का, तो आपको पता चलेगा। आपने बोला दैट्स करेक्ट, जो मैंने भी बोला था अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आएगा दैट्स करेक्ट, लेकिन अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया है, कौन सा क्लॉकवाइज स्टार्ट किया, देखो आप ये कौन सा ये है क्लॉकवाइज स्टार्ट किया। अच्छा एक बात बोलो, दुनिया में राइटी और लेफ्टी लोग दोनों भी है करेक्ट, सो मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज स्टार्ट किया है तो मैं यहाँ से क्लोरीन को पहले देखूंगा बाद में ब्रोमीन को देखूंगा। नाउ क्लोरीन एंड ब्रोमीन एक ही ग्रुप में, हेलोजन ग्रुप में, तो अगर उनको ऊपर नीचे किया तो चलेगा, लेकिन अगर ब्रोमीन के जगह पे नाइट्रोजन रहेगा तो मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाना पड़ेगा, गॉट इट। अगर मैं यहां से जाऊंगा तो पहले ब्रोमीन आएगा बाद में क्लोरीन आएगा, गेटिंग माय पॉइंट? बट अभी दोनों कौन से ग्रुप में, हैलोजन में ही है ना, गेटिंग माय पॉइंट? तो आप पहले ये बोलो या फिर ये बोलो, ये केस में चला जाएगा, कोई इशू समझा? तो कहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर एग्जैक्टली यूज करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड, समझा? ओके गॉट इट, नहीं अच्छा क्वेश्चन था, गुड गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेकंड वन, अभी ये क्या एनिलीन है, तो यहाँ पे 1 2 3 मैं ऐसे काउंट कर सकता हूँ क्या, 1 2 3 4 नहीं, मुझे क्या करना है मिनिमम नंबर देना, क्या करना है मिनिमम नंबर देना ठीक है। बाकी के लोग भी बात करो, कोई ये नहीं है, शिकायत नहीं किसी से, बात करो, हमारे पास 22 लोग जुड़े हुए हैं, तो बिंदास बात करो जो भी क्वेश्चन है ठीक है। ओके तो मिनिमम चाहिए हमें नंबर, तो क्या आएगा ये 3
क्लोरो एनिलीन आएगा, ठीक है. ओके नाउ थर्ड, अभी थर्ड में टोल्यून भी है और नाइट्रो भी है, तो ऑब्वियसली किसको प्रेफरेंस ज्यादा जाएगा, टोल्यून को प्रेफरेंस ज्यादा जाएगा. तो ये क्या होगा थर्ड वाला, 1 2 3 4 आता है, यहां से काउंट करोगे तो क्या आएगा 1 2 3 4, तो इक्विडिस्टेंस पे है, ठीक है. ओके सो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 2 3 4 में क्या आएगा, 4 नाइट्रो नाइट्रो टोल्यून आ जाएगा, करेक्ट. नाउ फोर्थ वाला पार्ट, अभी ये देखो OCH3 है, यहाँ पे NH2 तो एनिलीन को जाएगा, तो यहाँ पे मैंने एनिलीन लिख लिया. ओके इसको प्रेफरेंस है, 1 2 3 पे क्या है ये देखो, OCH3 ऑक्सीजन जुड़ा है मिथाइल ग्रुप से, तो ये क्या बनेगा मिथॉक्सी, क्या बनेगा ये मिथॉक्सी, तो ये क्या बनेगा 3-methoxy aniline, क्या बनेगा 3-methoxy aniline. ये किसका फोर्थ वाला किसका करेक्ट आया जरा बोलो, किसका भी नहीं आया रहेगा ना, क्या आया है किसी ने आंसर ही नहीं दिया. हाँ फोर्थ वाला आंसर किसका आया, आई मीन किसको पता था कि ये फोर्थ वाला आंसर ऐसे है, गाइस 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 पूरा मोहल्ला लेके नहीं आना मेरे यहाँ. हेलो चलो नेक्स्ट टाइम बात करते हैं, अभी आई कांट अंडरस्टैंड. आकांक्षा पांडे आपको नहीं समझा, ठीक है मैं फिर से समझाता हूँ. नाउ ये देखो क्या है, हमने एक बेंजीन ग्रुप लिया, गाइस मैं सबको सबके डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है, तो यू कैन आस्क वेरी इंस्टेंटली, आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो लेक्चर है डाउट क्लियर करने के लिए, तो बिंदास बात करो यार, ओके या फिर मैसेज करो मोस्टली. ये क्या था, OCH3 था और यहाँ पे NH2 था, करेक्ट. तो मुझे पता है सबसे बड़ा प्रेफरेंस किसको जाएगा, NH2 को जाएगा, तो मैंने एनिलीन लिख लिया था यहाँ पे, करेक्ट है यहाँ तक. लेकिन मुझे पता है यहाँ पे 1 2 और 3 पे कौन सा ग्रुप अटैच है, OCH3 अटैच. अभी ये बोलो ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल का एक हाइड्रोजन निकाल के मैंने उसको OCH3 कर दिया और उसको R से अटैच कर, तो ये ग्रुप कौन सा है OCH3 का, मीथॉक्सी, मीथेन और ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे मिथॉक्सी बोलेंगे. अगर O C2H5 रहेगा तो ये क्या बनेगा इथॉक्सी, क्या बनेगा इथॉक्सी, अगर आगे रहेगा तो प्रोपॉक्सी बनेगा, लेकिन मोस्टली आपको मिथॉक्सी और इथॉक्सी ही आता है. ये समझा आपको पांडे जी, आपको पता चला, ठीक है. डिस्कस करेगा थर्ड पे क्या है 3-methoxy. ये NH2 का थोड़ा डाउट हो रहा है, NH2 को एनिलीन बोलते हैं, आपने पहले लेट जॉइन किया शायद से, ठीक है. तो यहाँ पे ग्रुप बेंजीन को अगर NH2 अटैच रहेगा तो उसको हमेशा क्या बोलते हैं एनिलीन बात करते हैं, क्या बोलते हैं एनिलीन बात करते हैं. ये समझा भी सर, 3 वाला रिपीट कीजिए. ओके बीटी पहले तेरा नाम बता, कौन है तू, ब्लूटूथ, मैं ब्लूटूथ बोलू तुझे, हु इज बीटी इन आवर ग्रुप. ओके थर्ड वाला रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, थर्ड वाला क्या है देखो, CH3 और NO2 है, ठीक है. अभी CH3 मतलब क्या है यहाँ पे, टोल्यून है और NO2 है, तो ऑब्वियसली टोल्यून को प्रेफरेंस ज्यादा जाता है NO2 को बाद में, बिकॉज NO2 अभी क्या हो गया अटैचमेंट हो गया. सो फोर्थ पे 1 2 3 फोर्थ पे क्या अटैच है, नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो 4-नाइट्रो टोल्यून आ जाएगा. समझा बेटी आपको, समझा, ठीक है चलो नेक्स्ट जाते हैं. ओके सो अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला हम लोग ट्राई करेंगे. सर वो वाला बता देना कैसे आया NH2 का. अरे माते NH2 का ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, NH2 को एनिलीन बोलते हैं ना. अगर बेंजीन रिंग को अटैच रहेगा कौन, NH2 दैट इज ये, तो उसको एनिलीन बोलते हैं. जैसे हमको पता है बेंजीन ग्रुप को अटैच रहेगा CH3, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टोल्यून बोलेंगे. समझाइए अभी, नहीं सर आई. ओके माता जी यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये बेंजीन रिंग है, ओके दिस इज बेंजीन रिंग, कुछ नेम, अभी आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या बोलो जरा, आकांक्षा. क्यों आपका नाम आकांक्षा, मैं से बोलूंगा तो कुछ होगा नहीं ना, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपका नाम रखा. तो सेम यहाँ पे IUPAC में कुछ रूल है, बेंजीन रिंग को अगर NH2 अटैच रहेगा ऐसे पोजिशन पे उसको क्या बोलेंगे, एनिलीन बोलेंगे. अगर बेंजीन रिंग को यहाँ पे अटैच रहेगा CH3 तो उसको बोलेंगे टोल्यून बोलेंगे, ठीक है. बट अगर एक ही बेंजीन रिंग में, देखो यहाँ पे अभी समझाने की कोशिश करो लास्ट टाइम,
यहाँ पे सी एच थ्री अटैच है और यहाँ पे एन एच टू अटैच है, तो अभी दोनों में से किसी को एक को चूज करना पड़ेगा ना, बिकॉज पेरेंट चेन क्या होती है, जो लास्ट का नेम रहेगा उसको पेरेंट चेन बोलते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स बोलते हैं उसको, प्री मतलब पहले आने वाला, सफिक्स मतलब पेरेंट चेन, तो हम लोग एन एच टू को प्रेफरेंस नहीं दे सकते, किसको देंगे प्रेफरेंस, सी एच थ्री को, बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल है एन एच टू से, क्योंकि एन एच टू के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वो रिएक्ट करता है, तो स्टेबल कौन है, सी एच थ्री, तो क्या होगा ये कौन से पोजिशन पे, वन टू थ्री, सो थ्री, अभी देखो एन एच टू और सी एच थ्री है यहाँ पे, अगर देखो अभी एनिलीन भी है और सी एच थ्री भी है, तो आप उसको प्रेफरेंस किसको दोगे, सी एच थ्री को दोगे कि एन एच टू को दोगे, यहाँ पे ये स्टेबलाइज है और ये एन एच टू है, राइट, कैन राइट, देखो कौन कौन बात करेगा, देखो वन टू थ्री, थ्री पे क्या है, थ्री अमाइनो अमाइनो टोल्यून लिखू या फिर मैं ऐसे लिखू, यहां से स्टार्ट करू, वन टू और थ्री, कैन आई राइट थ्री मिथाइल एनिलीन, कौन सा लिखूंगा मैं, ए और बी, कौन सा लिखूंगा, सिर्फ फर्स्ट वाला, ओके, किसको किसको फर्स्ट लग रहा है, जरा पैर ऊपर करो, आई मीन हाथ ऊपर करो, किसको किसको फर्स्ट लग रहा है, सर सेकंड वाला, ओके, प्रशांत को हाथ ऊपर के, लेकिन कैसे पता चलेगा, अच्छा मुझे बोलो कौन आएगा, ए कौन बोल रहा है, बी कौन बोल रहा है, मोस्टली आंसर आएगा बी, क्यू बी, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है, चलो फिर से यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, ध्यान से सुनो ये चीज, ओके, आपके सर पास बी में वन मिथाइल आएगा ना सर, आपने थ्री मिथाइल लिखा है, मेरे दोस्त मैं वही बताने की कोशिश करो, तू मिनट रुक जा, ठीक है, आज तो बड़ा एक्टिव है, ग्रुपमेट भी क्या है क्या, नाउ यहाँ पे देखो ये सी एच थ्री है और यहाँ पे मैंने एन एच टू लगाया, ओके, यहाँ पे सी एच थ्री है, यहाँ पे मैंने नाइट्रो ग्रुप लगाया, ठीक है, आई एम गिविंग यू वन मिनट, फटाफट चैट में मुझे इसका आंसर दो, ठीक है, देखते क्या क्या है, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड आप आंसर इसको दोगे यहाँ पर, चलो स्टार्ट, टेक अ वन मिनट एंड जस्ट गिव मी आंसर, बाकी लोग तो देखने के लिए आए हो क्या, आंसर दो चलेगा, रॉन्ग तो रॉन्ग, कोई इशू नहीं, यहाँ पे तो इंटरेक्शन करना है ना, ए का आंसर क्या आएगा, बी का आंसर क्या आएगा, ओके, किसी ने आंसर दिया है, ओके, थ्री अमाइनो टोल्यून, थ्री अमाइनो टोल्यून, ओके, और सेकेंड का क्या आएगा, ट्राई टू गिव द आंसर, रॉन्ग तो रॉन्ग, कौन कौन है मुझे देखने दो, मैं पूछता हूँ अभी आंसर ही पूछता हूँ, कोई आंसर दे रहा नहीं, अंजलि क्या आएगा इसका आंसर, फर्स्ट का क्या आएगा बोलो जरा, अंजलि यादव, सर नहीं आ रहा है मुझे समझ में, अरे मैं वही समझा रहा हूँ, शांत सर, थ्री थ्री नाइट्रो टोल्यून बी का, फाइन फाइन, और किसी को पता है कौन आंसर दे दो, मुझे मुझे देखना कहाँ पे आप लोग रॉन्ग कर रहे हो, नहीं समझ रहा तो ओके कोई इशू नहीं, मैं समझाने वाला हूँ, अभय गुप्ता बोलो बी का क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग टू यू, साक्षी ने आंसर दिया थ्री नाइट्रो टोल्यून, ओके फाइन, गिव मी आंसर्स, मुझे देखना कौन क्या बता रहा है, वो तो देखना दो मुझे कौन क्या बता रहा है, संजना सोनी आंसर दो, शालिनी उपाध्याय आंसर दो, प्रियंका आंसर बोलो, रॉन्ग तो रॉन्ग कोई इशू नहीं है, बट ट्राई टू गिव द आंसर, बाल दीपक व्हाट इज द आंसर, किसका सर, दोनों का सर, फर्स्ट का है, मैंने चैट में बोला है डियर, चैट में आंसर नहीं, ठीक है फाइन, मैं ये इंटरेक्ट करवा रहा हूँ सबसे, ओके, अदरवाइज मैं सिर्फ बड़बड़ करता रहता, ओके चलो लेट्स टॉक अबाउट, अभी पहले बी को सॉल्व करते हैं, बी में देखो क्या है, सी एच थ्री ग्रुप है और एनओ टू ग्रुप है, हमें पता है यहाँ पे देखो, अगर बेंजीन रिंग को सी एच थ्री अटैच रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टोल्यून बोलते हैं, ओके, वही बेंजीन रिंग को अगर अटैच रहेगा एनओ टू होगा तो उसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो बेंजीन बोलेंगे, ठीक है, ये तो सबको पता है, लेकिन सबकी गड़बड़ किसमें हो रही है कि प्रायोरिटी किसको देने का, तो प्रैक्टिस से ही आएगा, तो वही मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या है चीज, बी पे सी एच थ्री है और ये क्या है, एनओ टू है, ठीक है, तो ऑब्वियसली किधर जाएगा, टोल्यून जाएगा कि नाइट्रो पे जाएगा, देखो जब आप नाइट्रो बेंजीन लिखते हो
तो नाइट्रो कहाँ लगता है आपको? प्रीफिक्स लगता है, मतलब क्या स्टार्टिंग में लगता है ना, प्री मतलब क्या स्टार्टिंग में लग रहा है, लेकिन आप टोल्यून की बात करोगे तो पूरा पूरा अलग ही नेम है, करेक्ट। तो इस दो इन दोनों में वन और टू में प्रायोरिटी जाएगी इसको, और इसको प्रायोरिटी जाएगी सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज फर्स्ट पोजिशन, दिस इज सेकेंड पोजिशन, दिस इज थर्ड, म्यूट करो, ओके दिस इज थर्ड पोजिशन, ओके। तो अभी वन टू थ्री, वन टू थ्री में देखो क्या है, फर्स्ट में आ गई ये, तो आपका ये क्या फंक्शन ग्रुप है, ये भी फंक्शन ग्रुप है, लेकिन नाइट्रो क्या आपका प्रीफिक्स हो गया यहाँ पे, क्योंकि आगे की तरफ लग रहा है, ठीक है। अगर यही चीज देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बोलो, अगर यहाँ पे मैं नाइट्रो लगाता, ओके, अगर यहाँ पे एनओ टू रहता और यहाँ पे सीएल होता, तो मैं ये बोलता, ये क्या बोलता, मैं थ्री क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, क्योंकि क्लोरीन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा एक्टिव है, एनओ टू एक्टिव, समझ रहा है ये चीज। तो वही CH3 और NO2 में एक्टिव कौन है ज्यादा, आई मीन स्टेबल कौन है, टोल्यून है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या आएगा, इस ग्रुप का इसका नाम आएगा आपको सी, एक सेकेंड मुझे वीडियो हटाने दो, ओके, इसका नाम क्या आएगा आपका, थ्री नाइट्रो टोल्यून स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। ये क्यों आएगा मैं नेक्स्ट स्लाइड में बोलता हूँ क्यों आएगा, ठीक है, हम लोग बात करेंगे, ओके अभी बोल देते। यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर CH3, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, कैन आई ड्रॉ द नाइट्रोजन स्ट्रक्चर लाइक दिस, तो मुझे पता ही है रेजोनेंस स्ट्रक्चर होके नाइट्रोजन क्या होगा, N- और दिस डबल बॉन्ड, तो इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जाके क्या बनेगा, अगर ये जंप किया इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे सिंगल, तो ये क्या है अपने आप में क्या है, स्टेबल है वाया व्हाट, रेजोनेंस, किससे स्टेबल है ये, रेजोनेंस से स्टेबल है, ये समझा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन CH3 जो मिथाइल ग्रुप है ना, इसको बोलते हैं डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं, और ये जो Na2 है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो, क्योंकि क्या है इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेबल कौन है सबसे ज्यादा, टोल्यून है, आई मीन CH3 है, तो यहाँ पे इसका क्या आएगा आंसर, थ्री नाइट्रो टोल्यून, ये समझा, ये सबको समझा नहीं, अभी और कौन से लैंग्वेज में बात करूं मैं, बोलो जरा, CH3 क्या? नहीं आ रहा था मेरे में, तो सुनाई नहीं दिया अच्छे से, अब फिर से ओके वैसे नेटवर्क का इश्यू, मैं बोला कि आपको समझाई नहीं करते, ओके मैं अगेन रिपीटिंग, जो ये CH3 है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो नाइट्रोजन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबल रहते हैं यहाँ पे, तो हमें इसको प्रायोरिटी देनी है CH3 को रादर देन NO2 को, तो NO2 क्या हो गया यहाँ पे, अटैचमेंट हो गया, समझ में आया, NO2 क्या हो गया यहाँ पे, अटैचमेंट हो गया, तो प्रेफरेंस किसको हो जाएगा, CH3 में जाएगा। लेकिन यही बात रही अगर यहाँ पे आपको बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपको NO2 है, यहाँ पे आपको NO2 है और यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, तो ऑब्वियसली आपको पता है हैलोजन लुखा है नाइट्रोजन के सामने, तो ये जाएगा ब्रोमीन अटैचमेंट थर्ड पे जाएगा, ये फर्स्ट पे जाएगा, तो क्या ये होगा, ये थ्री ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, करेक्ट। बट यही चीज अगर मैं आपको ऐसे बताऊ, इफ यू हैव अ बेंजीन रिंग यहाँ पे ऐसे, एंड यहाँ पे नाइट्रोजन है, और यहाँ पे अभी क्या हो गया, मैंने लगा दिया CH3, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि टोल्यून है, तो ये क्या बनेगा, टोल्यून लास्ट में लिखोगे, बिकॉज वो क्या है, पेरेंट ग्रुप है, तो ये क्या होगा, थ्री नाइट्रो टोल्यून, समझ में आ रहा है, ये डिफरेंस देखो, ए का और बी का डिफरेंस देखो, बिकॉज ऑफ द डोनेटिंग ग्रुप ये स्टेबल हो जाता है, तो इसका शिफ्ट क्या होगा, तो कहना से Br से ज्यादा स्टेबल किसको प्रेफरेंस मिलेगा, NO2 को, और NO2 का प्रेफरेंस किसको मिलेगा, CH3, ये समझा, अभी समझा, यस सर, थैंक यू सो मच। नाउ अभी पीछे आ जाओ, यहाँ पे देखो मैंने क्या बात की थी, ये क्या आपका CH3 है, अभी NH2, अभी प्रॉब्लम क्या है, दोनों के दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप है, दोनों का नाम, एक का नाम टोल्यून है, अगर मैं CH3 को देखूंगा तो टोल्यून हो जाएगा, अगर NH2 को देखूंगा तो क्या हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा, करेक्ट, यस और नो, यस सर,
हाँ तो अभी अभी प्रॉब्लम ये है कि किसको प्रेफरेंस दोगे, हमेशा किसको प्रेफरेंस दोगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यस एग्जैक्टली करेक्ट, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा, तो क्या होगा 1 2 3, अभी ये एनिलीन नहीं है, अभी NH2 इसको अटैच है, तो ये अटैचमेंट है, तो ये बनेगा 3-amino-toluene, समझाइए? यस सर, दैट्स ग्रेट। नाउ नेक्स्ट, अभी देखो मैं ये क्या चीज करूं, अभी हम लोगों ने क्या देखा, CH3 NH2, NH2 ग्रुप में क्या था, चेंजेस देखे। अभी हाय साक्षी, ओके नाउ यहाँ पे क्या है, अगर मैंने ये यहाँ पे बेंजीन रिंग बना दी है, गाइस इंटरेक्ट करो, जो इंटरेक्ट करेंगे उनको ही पता चलेगा, तो ट्राई टू स्पीक, रॉन्ग तो रॉन्ग लेकिन बात करो, तभी डिजिटली प्रॉपर हो गया। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे मैंने NH2 लगा दिया और यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, तो अभी इसका नॉमेनक्लेचर क्या है, टेक अ 1 मिनट, गिव मी आंसर इन अ चैट प्लीज, रॉन्ग तो रॉन्ग लेकिन दो, क्योंकि हमारे पास 22 लोग हैं, तो दे शुड गिव द आंसर, ओके? कोई बात नहीं करेगा, चैट में सिर्फ आंसर देगा, 1 मिनट तक मैं ऑब्जर्व करूंगा किसका किसका क्या आ रहा है, ओके आधा मिनट, 30 मिनट्स ले लो, चलो 30 सेकेंड ले लो, ठीक है, गिव मी द आंसर। और एक बात बोल रहा हूँ, IUPAC की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है तभी आपको जाके आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा, भूल जाओगे आप, ठीक है। अभी CH3 भी है, NH2 भी है, OH भी है, किसको प्रायोरिटी दोगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये हम लोग IUPAC का फिर से एक बार 2-3 लेक्चर लेंगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर है तो शायद से थोड़ा सा बाउंसिंग जाएगा, ऊपर से जाएगा, बिकॉज ये डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सो टेक योर टाइम। चलो एक हिंट दे देता हूँ, ऑब्वियसली OH अटैचमेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे ग्रुप कौन सा, CH3 और NH2 है, OH को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी। अगर एक बात बोलो, ये देखो, अगर सिर्फ सुन रहे ना सब लोग, अगर सिर्फ OH होता तो ये फिनॉल होता, यस और नो, अगर सिर्फ ये बेंजीन रिंग को NH2 अटैच होता तो ये एनिलीन होता, करेक्ट, बट अगर वही चीज इसको CH3 होती तो टोल्यून होता, करेक्ट, ये हमने सीखा ना IUPAC में, टोल्यून एनिलीन एंड फिनॉल के बारे में सीखा, अभी तीनों के तीनों ग्रुप एक साथ आ गए, तो किसको नॉमेनक्लेचर आप दोगे, 3-amino-5-hydroxytoluene, ओके, पालदीप ने आंसर दिया है, सौरभ ने आंसर दिया 3-amino-5-hydroxytoluene, ओके, और किसी का आंसर है सेम, अगेन द सेम रूल, क्या है, CH3 क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो नाम क्या रहेगा, टोल्यून रहेगा, तो क्या आंसर आएगा, 1, अभी देखो मैं नॉमेनक्लेचर यहां से कर रहा हूँ, ये साइड से कर रहा हूँ, ये साइड से नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे NH2 को प्रेफरेंस देना है, तो दिस इज अ फर्स्ट प्रेफरेंस, दिस इज सेकंड एंड दिस इज द थर्ड, तो यहां से जाऊंगा मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या आंसर आएगा इसका, जो पाल दीपक ने दिया है, सौरभ ने दिया है, वो आंसर करेक्ट है, क्या है वो आंसर, 3-amino-5-hydroxytoluen, समझाइए, समझाइए, यस सर, यस सर, यस सर, गुड गुड, वेरी गुड। नाउ अभी देखो नेक्स्ट वाला हम लोग सॉल्व करते हैं, बेंजीन रिंग है आपको, यहाँ पे CH3 दिया मैंने, यहाँ पे O दिया, इसका नाम कौन फाइंड आउट करेगा, उसके पहले आपको फंक्शन ग्रुप पता होना चाहिए, ये किसका फंक्शन ग्रुप है, R C डबल बॉन्ड R, ये क्या है, कीटोन, एग्जैक्टली, ये क्या है, कीटोन, तो कीटोन को आपका नाम होना चाहिए तभी आप जाके करो। चलो ये लेवल नंबर 3 है, लेवल 3, देखते कौन कौन ट्राई करते हैं आंसर, ट्राई टू गिव द आंसर, चैट बॉक्स में ना कुछ गिने चुने लोग के आंसर दे रहे, बाकी के लोग का है, अरे रॉन्ग तो रॉन्ग, कोई हंसने वाला नहीं आपको, यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व, ओके, यू हैव टू सॉल्व, क्या आंसर आएगा, बोलो,
ऑब्वियसली आपका पेरेंट ग्रुप क्या रहेगा, साक्षी एंड रियलमी नार्जो इज सेइंग हाय टू हाय। हाथ ऊपर करना मतलब क्या है, मतलब क्या आंसर बताना है आपको कि क्या करना। साक्षी, वो साक्षी मैडम देखो आपको आज तू अनम्यूट मैसेज आ रहा है, मैं यहां से करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन आपको जा नहीं रहा, ठीक है कोई इशू ना। ये क्या आपका CH3 है या आपका कीटोन ग्रुप है, तो ऑब्वियसली आपका ये क्या रहेगा, टोल्यून ही रहेगा ना लास्ट में पेरेंट ग्रुप। तो यहाँ पे अटैचमेंट क्या है, 1 2 3, 3 पे क्या अटैचमेंट आपका कीटोन है, कौन सा कीटोन है, कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन एंड 4th कार्बन, कितने कार्बन है आपके पास, 4। तो ये आपका ये ऐसे है ना, तो इस ग्रुप को कीटोन बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5, सो 3 क्या आएगा, ब्यूटेनोन। ये 3-butanone है ना आपका, किसको अटैच है, 3rd पे अटैच है, तो क्या लिखोगे, 3- इन ब्रैकेट लिखोगे क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल, क्या है ये, ब्यूटेनोन टोल्यून। समझाइए आंसर, प्रैक्टिस करेंगे और ऐसी समझाइए। ओके नाउ नेक्स्ट। नो सर नहीं समझा। अच्छा यहाँ पे देखो डियर, जिसको नहीं समझा है, ये अटैच है पूरा का पूरा कीटोन ग्रुप, किसके ऊपर, 3rd पोजीशन पर। आपकी पेरेंट चेन हमेशा बेंजीन रिंग रहती है, क्यों बेंजीन रिंग रहती है, बिकॉज बेंजीन स्टेबलाइज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके मूव करते रहते हैं रेजोनेंस के स्ट्रक्चर में, इसलिए वो स्टेबलाइज है। तो इसको हम लोग पेरेंट चेन बना देंगे और ये हो गया उसका अटैचमेंट। तो कीटोन को हमने अलग से देखा, तो उसका क्या नाम है, 3-butanone है, क्योंकि क्या है, 3-butanone, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और ये अटैचमेंट है, ये कार्बन नहीं है, देखो ये और कार्बन और ये कार्बन में अटैचमेंट है, बॉन्ड है, इसको काउंट नहीं करेंगे, वो थर्ड पे ये 1 2 3 4 अटैच है, इसलिए क्या होगा, 3-butanone टोल्यू, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट, और ये ऐसे प्रैक्टिस करेंगे आ जाए। अभी लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस लेक्चर, थोड़ा सा बहुत इजी नहीं दूंगा मैं, ये है बेंजीन रिंग, CH3, यहाँ पे CL, ओके यहाँ पे CH2, 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 CH2OH। नाउ बोल इसका क्या आएगा, टेक अ 1 मिनट, गिव मी आंसर इन द चैट बॉक्स इंस्टेड ऑफ सेइंग, ओके ये लास्ट स्ट्रक्चर है, देन विल स्टॉप द स्टेशन। 5K2 pentane, ये सॉल्व करने में मजा आता है, क्योंकि इसमें क्या है, पैरेंट ग्रुप को अटैचमेंट है, अटैचमेंट को भी अटैचमेंट है, तो उसको हम लोग को देखना है कैसे कर, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आ रहा है, एनीबडी नोस, ट्राई कर रहा है, किसी ने ट्राई किया, किसी ने अटेम्प्ट किया इसको, सर अभी कर रहे हैं, करो करो। ओके चलो मैं बोल देता हूँ, टाइम साहब यहाँ पे सबको प्रायोरिटी पता है, प्रायोरिटी जाएगी CH3 ग्रुप को। तो ये जो आपका ये है ना, ये इस पे अटैचमेंट ये है, ये आपका अटैचमेंट है, लेकिन अभी अटैचमेंट का भी अटैचमेंट है ये सेकेंड पे। तो फर्स्ट हमको लिखना है टोल्यून, आपका पेरेंट चेन कौन सा है,
टोल्यून है। तो अभी टोल्यून को ऑब्वियसली यहां से तो फर्स्ट जाओगे नहीं, यहाँ से फर्स्ट सेकंड जाओगे ही नहीं, राइट। यहाँ से करोगे क्या? नहीं करोगे, क्योंकि वहां पे अटैचमेंट ही नहीं है ना। तो कहां से करोगे इसको? यू हैव टू राइट फर्स्ट सेकंड। तो नाउ फर्स्ट पे क्या अटैच है? कितने कार्बन है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4। फोर मतलब क्या है? ये ब्यूटेनॉल है ना? यस और नो? दिस इज व्हाट अ ब्यूटेनॉल। क्या ये ब्यूटेनॉल है? ओके। एंड सेकंड पे क्लोरोबेंजीन अटैच है। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन अटैच है, तो इसको हम लोग क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं। लेकिन आपने कुछ सीखा ही है, पैरा ऑर्थो मेटा, पता है क्या है पैरा ऑर्थो मेटा? एनीबडी नोज? ये जो ऊपर के ये पैरा पोजिशंस होते हैं, ये मेटा पोजिशंस होते हैं और ये ऑर्थो पोजिशंस, करेक्ट? मैंने बराबर लिखा है? ये देखो, ये मेटा और ऑर्थो ना इंटरचेंज भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मोस्टली पता होना चाहिए कि पैरा पोजिशन को होता है एंटी पोजिशन होता है। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे पैरा पोजिशन ही था। तो आप तो एक पैरा पोजिशन पे लिख सकते हो, मैं बता रहा हूँ, पहले सुनो अच्छे से क्या बोल रहा हूँ। एक तो आप पैरा क्लोरोबेंजीन लिख सकते हो, या फिर सबसे सेफेस्ट आइडिया होता है जहां पे अटैचमेंट है वहां पे लिखो 1-2-3-4-। अभी ये क्या है? सेकेंड को डैश अटैच है। मैं पैरा क्लोरोबेंजीन नहीं लिखना चाहता क्योंकि मुझे कंफ्यूजन है पैरा और ऑर्थो में, तो वो छोड़ दो। तो कैसे लिखोगे? जहां पे अटैचमेंट है वो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, लेकिन वहां पे डैश लिखा, तो इसको कैसे लिखोगे? ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी अल्कोहल बी पहले आएगा कि क्लोरो पहले आएगा? ऑब्वियसली बी पहले आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? फर्स्ट पोजिशन में अटैचमेंट क्या है ग्रुप में, क्या लिखोगे? ब्यूटेनॉल। अभी ये ब्यूटेनॉल है कि ब्यूटाइल अल्कोहल? ब्यूटेनॉल मतलब क्या हो गया? यहाँ पे CH3 होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या है? CH2 है ना, तो ये कार्बन इसको अटैच है, तो ये क्या हो गया आपका? ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या है आपका? ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। देन कॉमा, देन अभी लिखोगे सेकंड पोजीशन में इन ब्रैकेट ये लिखोगे 4-, क्या लिखोगे? 4- क्लोरोबेंजीन कॉमा टोल्यून, ठीक है। ये समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो हम लोग क्या कर रहे हो? अटैचमेंट के अटैचमेंट को ढूंढ रहे हैं, यस और नो? समझ में आ रहा है? ठीक है, सो लेट्स स्टॉप इट हियर। नेक्स्ट टाइम और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, कल फिर से 5 बजे और थोड़े से वैरायटी में सॉल्व करेंगे। तो रेगुलर एटलीस्ट 2-3 लेक्चर लूंगा ना, तो आपको पता चलेंगे। अरे सूरज, सॉरी सौरभ है कि सूरज है? ओप्पो ऋषभ है क्या? ओके ऋषभ 2 है। नाम लिखो यार, मुझे पता नहीं चलेगा। सर वो अचानक गलती से हुआ। ओके, गलती अचानक ही होती है मेरे दोस्त। ओके, नाउ टाइम टू शेयर योर ऑल द वीडियोस गाइस ऑन द वीडियोस। वीडियो ऑन करो 2 मिनट के लिए। चलो चलो चलो। हाय आशिया, आशिया खान आपको तो मारना पड़ेगा आज, आपने एक भी आंसर नहीं दिया वो आशिया मैडम। ओके बीटी, ये थी क्या? ये छोरी छुपी हुई थी क्या बीटी के पीछे? मैं कब से पूछ रहा हूँ बीटी कौन है, बीटी कौन है? ब्लूटूथ हो क्या आप? ठीक है ठीक है। देन हाय अंजलि, हाय प्रशांत, हाय मुस्कान, हाय स्नेहा, हाय शालिनी। शालिनी का तो आज आवाज ही नहीं आया, कुछ तो क्वेश्चन पूछने वाले थे, राइट? ठीक है गाइस, गाइस देखो आज हमने क्या किया, आयुपैक के बारे में पता चला। Level 1, Level 2 और Level 3 तक ही पहुंचे, यहाँ तक Level 10 है अभी तक, हमने क्रॉस करना है जेई के लिए। नीट का तो छोड़ो, नीट का इतना केमिस्ट्री नहीं आता, लेकिन जेई के लिए अगर सीखना है तो आपको आयुपैक बहुत मस्त आना पड़ेगा, ठीक है। तो लेवल 10 तक जाना है धीरे 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 करके। तो हम लोग आज हमने बेसिक लिया, कल हम लोग जेई के और नीट के आयुपीएससी के क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग, ठीक है। सो वी विल डू दैट इन टुमारो सेशन। तो आयुपीएससी एक बार पक्का आ गया ना आपको, सो यू कैन डू एवरीथिंग। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा? ओके हाय करण, समझा आपको करण जो भी सिखाया? ओके देन शालिनी समझा, स्नेहा आपको समझा? बाकी के वीडियो, बाकी लोगों के वीडियो ऑन नहीं हो रहे क्या? प्रॉब्लम है क्या? हमें आपके घर में चोरी नहीं करनी, आप आपका घर दिखा सकते हो। ऋषभ नेक्स्ट टाइम वो जो टॉपिक नहीं पता चला ना उसको बोल मुझे, या फिर मैं वो वीडियो बना के तुझे सेंड कर, ठीक है? या फिर कभी हाँ, या फिर कभी फ्री रहेगा तो मीटिंग में ज्वाइन करो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वो चीज, क्योंकि वो मोल कंसेप्ट है, ठीक है। मोल कंसेप्ट जब भी सिखाऊंगा तब भी मैं वो स्टार्ट करूंगा, क्योंकि उसमें ना कंपोजिशन अलग अलग दिया है, तो सबका एक्स वाई कंपोजिशन सबका अलग अलग निकालना है। केओलिन का जो फॉर्मूला है ना उसमें मैं सिर्फ हिंट देता हूँ,
उसमें परसेंटेज देख, रेशियो देख क्या क्या है, उस रेशियो के हिसाब से तुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला देना, और एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा तो तू क्या निकाल सकता है, एग्जैक्ट कितने मॉलिक्यूल, समझ में आया, तो वो तुझे वैसे सॉल्व कर। ओके हाय रवि, ठीक है सर। अच्छा गाइस एक बात बोलो, आज हम लोगों के पास कितने जन है, 20 लोग थे, 22 थे, दो चले गए शायद से, ठीक है। नाउ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था किसी किसी को? यस सर, होता है थोड़ा बहुत, यस होता है, क्योंकि क्या कर रहे हो आप, फोन से यूज कर रहे हो ना, आई एम यूजिंग फ्रॉम वाईफाई, तो चीजें होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा लोग रहेंगे तो प्रॉब्लम होता है। इसलिए 10-10 की लोग मुझे बैच करनी थी, तो उसमें क्या होता है, इंटरनेट कंजम्पशन कम हो जाता है, ठीक है। समझा आपको ये चीजें आज का जो सिखाया वो समझा एटलीस्ट? और आप पूछ सकते हो, देखो आप पूछ सकते हो, बीच में कुछ लोग बात कर रहे थे राइट, कि ये कैसे आया वो कैसे आया, तो यही तो करना है, इंटरेक्शन ही करना है। तो आप कैसे क्लास में कैसे पूछते हो, वैसे सेम यहाँ पे पूछना है। ओके हाय रियलमी नार्जो, कैसे हो आप, अभी पता चला कौन है, इसलिए बोला वीडियो ऑन करने से एक बार पता चलता है कौन कैसे है, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स की कैसे है, ठीक है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ, इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट कल हम लोग करेंगे आईयूपीएससी नेम ऑफ जेई और नीट में जो जो क्वेश्चंस आए उसका करेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल, चलेगा? यस सर, यस सर, ठीक है, चलेगा चलेगा। और अभी सुनो मेरी बात, April 1 से April 10 तक मैं फ्री क्लासेस लेने वाला हूँ, सब क्या बताने वाला हूँ, नीट का और जेई का हर एक चीज बताने वाला हूँ, उसके बाद क्लासेस पेड रहेंगे, वो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन ये 10 डेज आपको जो फ्री है कंटेंट वो आपको यूज करना है। अभी कल से, कल हम जो आईयूपीएससी करेंगे ना, उसके बाद मैं गूगल फॉर्म बनाऊंगा, गूगल फॉर्म पता है क्या होता है, जहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हो, तो वो भी हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, सिर्फ सिखाना नहीं है आपको, क्वेश्चन देने हैं, आपका आंसर भी इवेल्युएट करना है मुझे, समझा? तो कल जो पढ़ाया जाएगा उसके बाद आपको एक गूगल फॉर्म आएगा आपके व्हाट्सएप पे, आपको उसका आपका नेम डालना और वो क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करना है, ठीक है, चलेगा? तो उसको 10 या 20 मार्क का रहेंगे, वो सॉल्व करके देना, तो इससे क्या होगा, पता चलेगा किसको क्या आ रहा है किसको क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। सिर्फ सिखा के मतलब नहीं होता, हमें एग्जाम भी लेनी पड़ रही है ना, क्या है क्या नहीं, अभी हम लोग वर्चुअली बात कर रहे सब, तो मुझे क्या पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जब तक आप वीडियो या फिर आप बात नहीं करोगे तब तक, करेक्ट? तो इसलिए मेरा मानना है कि 10-10 का बैच करना है, बिकॉज मैं सबके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ, ठीक है गाइज? ओके, एनीबडी हैज अ डाउट? नहीं है डाउट किसी को, ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है, चलो बाय 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 बाय।